हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ग्लैम प्रिया ब्लॉग। तो यहाँ पे है फंक्शन एंड मेरे सामने बेबी बॉय हुआ था, तो यहाँ पे फंक्शन था भाभी के यहाँ। तो यहाँ पे लेडीज़ गेट टुगेदर था और लेडीज़ों की पार्टी थी, तो यहाँ पे हम लोग आए थे और गाना धूमधाम से शोर वगैरह हो रहा था और हम लोग का लंच था। तो यहाँ पे आदू का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब था उस दिन, लेकिन मतलब मेरी सासू माँ सॉरी मेरी मम्मी भी आई थी, तो मम्मी वगैरह सामान ली थी तो मैं आ गई थी थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ पे सब गाना बजाना हो रहा है, उसके बाद हमने किया लंच और लंच काफ़ी टेस्टी था। एक ना वैरायटी कम रखो है, खाना इतना बच जाता है कि समेटा नहीं जाता, वो बर्बाद होता है। अरे तो फिर खाना नहीं खाया जाता ना। सो गाइस, यहाँ पे हम जा रहे हैं हॉस्पिटल क्योंकि मम्मी का कराना था फुल बॉडी चेकअप, क्योंकि मम्मी का ऑपरेशन हुआ था सिस्ट का। तो हम लोग सोच रहे थे कि मम्मी का फुल बॉडी एक चेकअप करा देते हैं, और समय समय पे सबको अपना फुल बॉडी चेकअप कराते रहना चाहिए। तो मम्मी से मैं काफ़ी दिन से बोल रही थी लेकिन वो मान नहीं रही, तो जबरदस्ती मैंने बुलाया, मैंने बोला यहीं पर आ जाओ, यहीं पर करवा देंगे। तो बहुत कहने पर मम्मी आई थी, और उनको मतलब खुद का तबीयत ख़राब होता है, खुद का मतलब उनको चिंता होती नहीं है। मतलब माँ बाप ऐसे ही होते हैं ना, बच्चों को फोर्स करना पड़ता है, ऐसा लगता है कि हमारा ही फ़ायदा है, वो सोचते ही नहीं कुछ कि मतलब अपने हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। तो फिर यहाँ पे मम्मी आई थी, तो यहाँ पे हम जा रहे हैं हॉस्पिटल। और उस बीच आदू की तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब रहती थी, तो आदू भी बहुत दुखी हो गई थी, फेस आपको पता चल रहा होगा। तो मतलब इसको भी सर्दी खांसी जुकाम बुखार सब कुछ हो रखा था, इसलिए कुछ खा भी नहीं थी, सारी उल्टी कर देती थी हर चीज़। बोलो आदू, चला दो गाड़ी, चला दो बाबू, दोनों हाथ से चलाओ, चलाओ उसको, रख दो, हाँ उसको रख, रख रही है, चलाओ चलो। अली अली आइडिया का मारू आदू, गाड़ी चला, चला दो गाड़ी, तो ओली चलो चलाओ, गाड़ी चलाओ, गाड़ी चलाओ, घर पहुंचा दो जल्दी से हम लोग को, चलो घर पर जाओ। सो गाइस, यहाँ पे मम्मी के हो रहे थे ब्लड टेस्ट, क्योंकि जो हमें टेस्ट करवाए थे वो सारे तो घर पे ही बुला लिया था, डॉक्टर लाल पैथ वाले जो होते हैं वो घर पे आ गए थे, और रिपोर्ट हमने डॉक्टर को दिखा लिया था, तो कोई दिक्कत नहीं थी, डॉक्टर ने बोला सब कुछ ठीक है। अपनी तसल्ली के लिए हम लोग ने करवाया था, तो यहाँ पर सब कुछ मतलब ठीक निकला है, और दोबारा भी टेस्ट करवा दे रहे हैं हम लोग, क्योंकि
होता है ना कि फुल बॉडी चेकअप हमेशा करवाते रहना चाहिए। सो गाइस यहाँ पे हम लोग पहुँच गए हैं नल्ली दिवाली की शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि सासू माँ के लिए भी साड़ी लेनी थी और मुझे भी अपने लिए लेना था, मतलब पति देव दिलवाते हैं दिवाली पे हमेशा। तो यहाँ पे हम लोग आए थे शॉप पे, मम्मी को भी ले गई थी मैं पसंद करवाने के लिए। ये वाला कितने का है? ये 5700 का है। ये भी 3000 का है। ये 3700 का है। आपको कहाँ मिलता है भाई? हाँ भाई। बेटा वेलकम ड्रिंक है। यूट्यूबर है, ब्लॉग बना रहे हैं, आपको ब्लॉग में डालेंगे। वेलकम ड्रिंक आज लोग खाएगा तुम्हें ना? याद है जो बोले थे? याद दिला रही थी हमको। ग्रुप में भेज देता है हर चीज जो खाता है फोटो। स्वागत पधारो। सो गाइस यहाँ पे छोटी को पड़ रही थी डांट, क्योंकि वो लखनऊ से दिल्ली अकेले आई थी ट्रेन में। मुझे पता था कि वो अकेले आ रही है, लेकिन मम्मी को नहीं पता था और अंशुल को भी नहीं पता था। मतलब मुझे पता था बस, क्योंकि मैंने ही बोला था कि अकेले आना सीखो, सेल्फ डिपेंडेंट बनो, कब तक कोई मतलब लेके आएगा लेके छोड़ेगा। लेकिन मम्मी मेरी है बहुत डरपोक है, वो हमेशा डरती हैं हम लोगों को कहीं अकेले आने जाने मतलब भेजने में, बहुत वो डरती हैं कि कोई कुछ दिक्कत हो जाए। तो वही छोटी को डांट पड़ रही थी और मैं सपोर्ट कर रही थी कि छोटी का कि मतलब अच्छा हुआ अकेले आगे कोई दिक्कत तो नहीं, बट मम्मी डांट रही थी क्यों हमें नहीं बताई। और मम्मी को हम बता देते कि वो अकेले आ रही है, तो मम्मी उसको आने ही नहीं देती। और इनको कोई उतना टाइम नहीं था कि वो मतलब छोटी को ला के छोड़े फिर छोड़ के जाएँ, क्योंकि ऑफिस में इतना छुट्टी नहीं मिल पाता है। गाइज ये नेक्स्ट डे का ब्लॉग है। हम दोबारा नली में गए थे क्योंकि मुझे जो मैंने सूट लिया था ना वो थोड़ा मतलब मुझे एक्सपेंसिव लग रहा था, उसके अकॉर्डिंग मतलब लग नहीं रहा था कितना पैसे का है। तो मैंने सोचा चलो एक्सचेंज कर लेते हैं, लेकिन जब मैं गई ना तो मुझे मतलब इसके अलावा कोई वहाँ पे पसंद ही नहीं आया। और वो जो सूट मैंने लिया था ना मेरे पति देव ने ही पसंद किया था, तो मतलब मैंने फिर वही बम्बई में लेके वापस आ गई। और मम्मी को भी सूट लेना था, छोटी को भी लेना था, तो मम्मी और छोटी भी मतलब लेना था, तो वो लोग भी साथ गए थे कि चलो हम भी ले लेंगे, तो उन्होंने भी लिया था। तो फिर हम वही मतलब मैं तो वही लेके वापस चली आई थी।
ले लो चाय। सो गाइस यहाँ पे हम आ चुके हैं पनीर पकौड़े विद टी। चाय कैसा मम्मी? सो गाइस यहाँ पे मैं और छोटी जा रहे थे सरोजनी नगर और मेरे देवर जी लेके जा रहे थे क्योंकि पति देव को बिल्कुल टाइम नहीं था। दिवाली का आसपास का टाइम था तो फिर इतना काम वर्क लोड ज़्यादा रहता है दिवाली में, तो मेरे देवर जी से उन्होंने बोला था कि तुम इनको छोड़ देना। तो यहाँ पे मैं और छोटी जा रहे थे सरोजनी नगर और मम्मी घर पे थी और अंशुल भी था, तो आदू को टेंशन नहीं था मुझे कि आदू को वो लोग संभाल लेंगे। और सरोजनी नगर जाओ ना तो आपको पूरा दिन लग जाता है क्योंकि इसमें इतना पैदल चलना पड़ता है, तो आदू को लेके जाना पॉसिबल नहीं था क्योंकि इतनी भीड़ भी होती है वहाँ पर और आदू एकदम परेशान हो जाती है, मुझे भी परेशान करती थी। तो इसलिए मतलब मम्मी के पास मैंने छोड़ दिया था और अच्छे से उसको पेट उठ भर दिया था कि कोई दिक्कत ना हो। तो मम्मी और अंशुल को संभाल लिए थे और मेरे रूम से जो मतलब है ये जगह सरोजनी नगर उसको हमें 1.5 घंटा लग गया था जाने में और ट्रैफिक की वजह से हमें और भी टाइम लग गया था। मुझे लग रहा है कि 2 घंटे लग गए थे ट्रैफिक की वजह से, वरना 1.5 घंटे में हम पहुँच जाते। एंड यहाँ पर हम लोग आपस में फोटो वगैरह खींच रहे थे, छोटी वीडियो बना रही थी एंड व्लॉग मैंने मतलब बनाया है जो आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा। ज़्यादा तो मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि इतनी भीड़ थी और फ़ोन चोरी होने का भी डर रहता है ना, कोई फ़ोन छीन के भाग ना जाए। और पतिदेव ने पहले ही समझा के भेजा था कि फ़ोन ज़्यादा मत निकाला वहाँ पे। और कपड़े तो मुझे वहाँ के उतने समझ नहीं आए क्योंकि मतलब मेरी टाइप के नहीं थे, जिस टाइप का मैं पहनती हूँ ज़्यादा स्टाइलिश मैं नहीं पहनती हूँ, पतिदेव को ज़्यादा पसंद नहीं है तो मतलब उस टाइप के कपड़े थे तो मतलब मुझे ज़्यादा समझ नहीं आए। और मुझे जो एक दो समझ आया तो मैंने ले लिए हैं और आने घर आने के बाद तो वो भी उतना सही नहीं लग रहा था, मम्मी को पसंद नहीं आ रहा था। तो फिर मतलब जो लिया मैं दिखाऊंगी आपको, मैंने 2 नाइट सूट वगैरह लिए हैं एंड 2-3 टॉप लिए हैं एंड ईयर रिंग्स मैंने काफ़ी लिए क्योंकि ईयर रिंग्स वहाँ पर सही प्राइस में अच्छे मिल रहे थे, तो जो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। तो चलो मिलते हैं, अभी रखते हैं इस व्लॉग का एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय, टेक केयर।